हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम बैक मार्वल कंटेस्ट ऑफ चैंपियन के एक नए गेम प्ले वीडियो में। आज के इस गेम प्ले वीडियो में 5.4.4 को कंप्लीट करने की कोशिश रहेगी। स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ मेरा एक्सपायर क्या चीज़ें हो रही है। ये तो रोज़ ही मिलता रहता है, आप लोगों को भी कंपनसेशन में मिलता ही होगा। देखो यहाँ पे यार, टीम रिवाइव पोशन जो है वो मेरा वेस्ट होने वाला है। मैं चाहता हूँ यहाँ पे यूज़ हो जाए। और रिवाइव देख रहे हो आप, हीलिंग बॉल्स देख रहे हो, और यहाँ पे एनर्जी देखो मेरे पास कितनी सारी है। तो एनर्जी तो यूज़ होगी होगी। मैं चाहता हूँ मेरा टीम रिवाइव पोशन यहाँ पे यूज़ हो। मैं किसी भी चैम्प को अपने हील नहीं करूँगा इस क्वेस्ट में। चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है मार पड़नी चाहिए, लेकिन मैं चाहता हूँ यार टीम रिवाइव पोशन जो है वो यूज़ हो। वैसे बॉस फाइट हमारी मॉडॉक के साथ है, तो मेरे ख्याल से हो सकता है इस बार टीम रिवाइव यूज़। लेकिन ठीक है, हम चलते हैं, स्टार्ट करते हैं इस क्वेस्ट को। हमें फ़ाइट करनी है, मैं यही टीम लेके जाने वाला हूँ, इसी टीम के साथ हम फाइट करेंगे। और स्टार्ट करते हैं इस क्वेस्ट को, देखते हैं कौन सा पाथ आसान पड़ेगा, वही पाथ चूज़ करेंगे। कम से कम फाइटें करने की कोशिश करेंगे, जल्दी से जल्दी फाइट कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। जितना लंबा फाइट जाएगी उतना हमको तकलीफ होगी, क्योंकि हमें उतना ब्लॉक डैमेज मिलेगा, हो सकता है हिट भी मिले। मैच सीजम नहीं कर रहा भाई, रेजिलेंस ठीक है, रेज है, और क्या है, ब्रूट फोर्स भी नहीं कर रहा, पॉइजन ब्लीड नहीं कर रहा। वैसे पॉइजन इम्यून मेरा हाइपर रन है, वाइटैलिटी ये क्या होता है पता नहीं, रेजिलेंस मेरे को पता है, अभी तक मैंने रेजिलेंस ही किया है, तो मैं रेजिलेंस पे ही टेलीपोर्ट करने वाला हूँ। यही पाथ चूज़ करते हैं। पहली फाइट जो है वो है हमारी क्लॉसस के साथ में। तो क्लॉसस आसान फाइट है, इसके लिए मैं स्टार्क स्पाइडी को ले जाता हूँ, बहुत आसान फाइट है। दूसरी ग्रूट है, ग्रूट इसकी बस ये रीजनरेशन करता है, इसके लिए हाइपरिन ले जाएंगे, ठीक है। स्टार्क स्पाइडी को यूज़ करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं बूस्ट यूज़ कर लेता हूँ जो मुझे यूज़ करना है। चैंपियन बूस्ट है मेरे पास 20% वाला, ये यूज़ कर लेते हैं। यार मुझे लॉयल्टी से ना बूस्ट भी खरीदने पड़ेंगे, बूस्ट भी ख़त्म होने आए हैं, कभी ना कभी ख़त्म हो जाएंगे। बट एनीवे हम स्टार्ट करते हैं स्पाइडरमैन को। 20% बूस्ट लगाया हुआ है हेल्थ का एंड अटैक का, तो जल्दी से फाइट शुरू कर। ओ रुको एक सेकेंड, इसका लोकल नोड चेक कर लेते हैं। ब्रेक थ्रू है, आसान है। आर्मर अप है, ये भी आसान है। रिड्यूस डैमेज बाय अप टू 20% प्रोपोर्शनेट टू मिसिंग हेल्थ, ये पता नहीं, समझ भी नहीं आता मुझे, ठीक है ओके। जल्दी से जल्दी फाइट कंप्लीट करनी है हमें, पावर ड्रेन करना है पड़ेगा एक बार। बढ़िया, अबे यार बड़ी जल्दी मार दी इसमें। शॉक प्रूफ है क्या नहीं, ये शॉक प्रूफ, पॉइजन प्रूफ भी नहीं है, शॉक प्रूफ भी नहीं है, बढ़िया है। अबे करना यूज, हाँ ये सही काम किया ना तूने, बढ़िया। ये कहीं ठोकते इसे, एंड यहाँ पे ये फाइट कंप्लीट हो गई हमारी। मेरे ख्याल से एक कॉम्बो मुझे पड़ा था, हाँ चार हिट का कॉम्बो मेरे को पड़ गया। बट एनी वे कोई बात नहीं, हम कोई भी अपने इसको हील नहीं करेंगे। ग्रूट के साथ फाइट है, अगली है एबोमिनेशन। एबोमिनेशन के लिए मेरे को हाइपरिन को रखना ही पड़ेगा, क्योंकि पॉइजन इम्यून मेरा वही है हाइपरिन। ओ 94,000 की हेल्थ है भाई। लोकल नोट चेक कर लेते हैं इसकी। ब्रेक थ्रू है, ग्रूट जेंटल नेचर कम्स टू अ थ्रैशिंग एंड आफ्टर रिसीविंग एग्जैक्टली 100 अटैक्स, मतलब 100 हिट मारनी है क्या? योर कॉम्बो मीटर इज नेवर रिसेट वाइल फाइटिंग दिस एनिमी, समझ? अच्छा मतलब कॉम्बो मीटर डाउन नहीं होगा कभी, ये शायद से फ़ायदा है मेरे लिए, है ना। बट एनी वे स्पाइडर क्वीन को यूज़ करते हैं, जल्दी से इस फाइट को कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। क्लॉसस को मैं इसलिए नहीं लाया क्योंकि क्लॉसस की गेम हैवी पे है, अगर हैवी नहीं तो क्लॉसस इतना डैमेज नहीं देगा तुम्हें। कोशिश करो उसका स्पेशल वन वेस्ट करने की, क्योंकि वही है भाई जिसको वेस्ट कर सकते हो। स्पेशल टू तो मेरे से नहीं होता ही वेट, बढ़िया ठीक है। स्पेशल वन थ्रो करने दो, देन अपना स्पेशल टू दे दो, ठीक है बढ़िया बढ़िया। स्लो डिबफ भी है, अरे तेरी तो ऐसी की तैसी कर थ्रो। अच्छा शिट, मेरे को स्पेशल टू पढ़ने वाला है अब। यार ये इवेड कैसे करते हैं ये नहीं पता मुझे यार, रीजनरेशन कर गया तगड़ी वाली, 30% है वैसे।
मेरे ख्याल से मर जाना चाहिए, मर गया चलो बढ़िया है। मेरा कॉम्बो मीटर यहाँ पे रीसेट नहीं हुआ, ये हमारे लिए फ़ायदा था शायद से। 53 हिट्स पे मार दिया इसको। अगली फाइट है एबोमिनेशन के लिए, इसके लिए हाइपरन ही ले जाना पड़ेगा क्योंकि पॉइजन इम्यून मेरा वही है और उसके बाद रूट भी है, तो हाइपरन फिर से यूज़ करना पड़ेगा। चलो हाइपरन से फाइट करते हैं, लोकल नोड चेक कर लेते हैं। ब्रेक थ्रू आसान है, पॉइजन एनहेंस है, तो एबिलिटी ट्रिगर ज़्यादा मुश्किल नोड नहीं है, आसान नोड है। तो ओ भाई 90,000 की हेल्थ है, अब हेल्थ बढ़ रही है, 4.4 में हेल्थ सबकी बढ़ रही है। अरे मुझे हैवी देना चाहिए था, चलो कोई नहीं फिर से कर लेते हैं। तीन फ्यूरी मिल गई, ओके 6 फ्यूरी। साले ने ब्लॉक डैमेज, भाई 2,500 का ब्लॉक डैमेज फेंका इसने। ओके 75 पे था, 62 पे हुआ, जितना सोचा था उतना डैमेज तो नहीं दिया, बट स्पेशल में निवेड करना आसान है वैसे इसका। फेंकने दो उसको स्पेशल वन, यार मैं स्पेशल 3 मारूं तो सही, लेकिन मेरे को पता नहीं है 20% पे मरेगा कि नहीं मरेगा ये। अब मर जाएगा, 10% है। चलो 12% बोनस भी ले लिया एंड कंप्लीट। ये फाइट भी आसानी से कंप्लीट हो गई हमारी, बस ब्लॉक डैमेज मैंने ज़्यादा ले लिया इसमें, बट एनीवे कोई नहीं। टीम रिवाइव पोशन पड़ा है वो यूज़ कर लेंगे, मैं नहीं चाहता वो वेस्ट हो। ओके तो ग्रूट है, उसके बाद हल्क बस्टर है जो कि अनोइंग फाइट है हल्क बस्टर के साथ। वैसे ग्रूट के साथ भी अनोइंग फाइट ही है। पॉइजन इम्यून चाहिए तो हाइपरिन को ही ले जाएंगे। 100,000 की हेल्थ है, लोकल नोट चेक कर लेते हैं। ब्रेक थ्रू फ्यूरी ज़्यादा है इसकी और एबिलिटी 40% मोर इफेक्टिव है। व्हेन स्ट्रक द डिफेंडर हैज़ अ 10% चांस टू ट्रिगर अ फ्यूरी बफ फॉर 8 सेकेंड्स। 10% चांस है कि 8 सेकेंड के लिए फ्यूरी ले लेगा। ओके और ये हैवी वाली गेम नहीं है इसके साथ, खेल गया भाई। अबे ठीक है, 2 फ्यूरी है। ये लेट्स सी कितना बचेगा, भाई डैमेज ही नहीं मिला इसको। अबे 4% का डैमेज, यार इससे कौन बचेगा। ठीक है स्पेशल 2 मारते हैं इसको, आर्मर ब्रेक ही होगा, मुझे लगा नहीं था इसको फ्यूर स्टन हो गए, बट अब हो गया तो मार लेता हूँ। अबे भाई कहाँ से बचा मैं, पता नहीं कैसे हैवी हो गया स्टार्ट। ठीक है 41 पे था, ओके 6% बचा है, ज़्यादा नहीं बचा है, 2-3 हिट में मर जाएगा, बस कंप्लीट है। बहुत आसानी से ये फाइट भी कंप्लीट कर ली हमने। नेक्स्ट फाइट पे चलते हैं, हल्क बस्टर के साथ फाइट है, ये थोड़ी अनोइंग फाइट है, तो मैं यहाँ पे स्टार्क स्पाइडी का यूज़ करने वाला हूँ। वैसे हाइपरिन को यूज़ कर सकता हूँ बट मैं स्टार्क स्पाइडी ही ले जाऊँगा, वेट कर सकता है। 84 हेल्थ ज़्यादा नहीं है, आउटलास्ट है, एंड द डिफेंडर इज मोस्ट लाइकली टू एक्टिवेट स्पेशल अटैक 2। ठीक है वैसे ये स्पेशल 2 पे पावर ड्रेन करता है ना, थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, शॉक भी देता है यार ये बंदा, तो जल्दी से जल्दी कंप्लीट करते हैं। तेरी तो ऐसी की तैसी, मेरे को लगा नहीं था स्पेशल 1 मारेगा, मार गया, बट शॉक डैमेज दे रहा है भाई ये मेरे को बहुत ज़्यादा। ओके चार्ज मेरे पास 1 ही है टोटल, तेरी तो ऐसी की तैसी, चल तेरी तो। 70% मेरा स्टॉक स्पाइडी बचा हुआ है, काफ़ी आसानी से मार दिया, 42 हिट्स में मार दिया ऐसे भी। नेक्स्ट फाइट जो है वो किसके साथ है देखना पड़ेगा। ओ भाई हल्क, अरे नहीं यार इसको फिजिकल रेजिस्टेंस इतना होता है ना, इसको मारते जाओ ये मरेगा ही नहीं बंदा। ठीक है फ्यूरी इसकी एनहेंस है, क्लॉसस ले जाते हैं अपना, फ्यूरी फिर इसका भी है ना।
अच्छी बात यह है कि स्टन हो जाएगा बंदा। क्रिटिकल दे भाई, इस हैवी से कुछ नहीं होगा। क्रिटिकल दे, जब तक इसका आर्मर टूटेगा नहीं तब तक कुछ नहीं होगा। ओ भाई ये 15,000 का डैमेज था इसको, हैवी का। स्पेशल टू वैसे आसान है इसका इवेड करना, ठीक है। फिर फेंक गया स्पेशल, ओके मर गया। चलो आसानी में मर गया, ज्यादा हिट्स नहीं रिसीव हुई हमें। नेक्स्ट फाइट जो है वो किसके साथ है फिर से देख लेते हैं एक और बार। कितनी फाइट कर रही है यार इसमें। ओ हो, आइसमैन है तो क्लॉसस ही काम करेगा, और कोई काम नहीं करने वाला यहाँ पे। एक बार इसके चेक कर लेते हैं यार, ब्रेक थ्रू है। ओहो, ये पैरी भी नहीं होगा यार। व्हेन डैमेज्ड बाय स्पेशल अटैक द एनिमी गेन्स 1 बार ऑफ पावर। ओके तो ये पैरी नहीं होने वाला, इसको ऐसे ही मारना पड़ेगा यार। हैवी तो दे नहीं सकता मैं इसको, क्लॉसस के बगैर चलेगा भी नहीं काम, और कोई है भी नहीं इसको मारने वाला। और आर्मर शील्ड लगी हुई है इस पे, आइस शील्ड। शिट मैन, अबे इसका आर्मर टूट नहीं रहा, अब टूटा। शिट मैन, इसका स्पेशल 3 बनने वाला है। अच्छा वो मैंने इसका स्पेशल वेस्ट करवा दिया, नहीं तो मेरी बच जाती भाई। स्पेशल 2 बन गया इसका। वेट, अरे शिट मैन, शिट। किसी और प्लेयर को लेके आना बेवकूफी होगी बहुत बड़ी वाली। अब मुझे पता नहीं है ये पॉइजन प्रूफ, बाकी कोई मेरा है। अब कैप्टन अमेरिका है क्या, कोल्ड स्नैप इम्यून है क्या? एबिलिटी चेक करनी पड़ेगी एक बार को। कोल्ड स्नैप इम्यून होना चाहिए यार, नहीं है मेरे ख्याल से, नहीं है। किसी और को लेके आना तो बेवकूफ़ी होगी। मैं इसको ही रिवाइव कर लेता हूँ यार, कोई बात नहीं। स्पेशल 2 डैक्स करने गया सारा, ने फेंक दिया मेरे पे स्पेशल 2। चलो कोई नहीं, इसको मार लेते हैं यार। एनीवे फाइट करते स्टार्ट। जब भी स्पेशल दूंगा ये साला पावर गेन करेगा ना। इसको इंटरसेप्ट करना पड़ेगा। वेट, मर जा भाई। ओके डन, चलो गलती से पिछली बार स्पेशल 2 पड़ गया, बट कोई नहीं, अभी कोई दिक्कत की बात नहीं है। अपने पास बहुत सारे चैंपियन, कैप्टन अमेरिका तो पूरा ही पड़ा है, ठीक है। यहाँ पे नेबुला आ गई है, हाइपरिन को यूज़ करते हैं, क्लास एडवांटेज लेते हैं। लोकल नोड चेक कर लेते हैं, इसके क्या है, ब्रेक थ्रू है, एनहेंस शॉक है, द डिफेंडर इज मोर पैसिव एंड एक्सेल्स एट डिफेंसिव एबिलिटी लाइक ब्लॉकिंग एंड डॉजिंग। ओके पैरी हैवी, शॉक नहीं बनाने देने यार इसको। ओके अब इसको डैमेज ही नहीं मिला भाई, पीछे। ओके स्पेशल 3 ठोकते हैं इसको, 91%
ओके 10% हेल्थ गई यहाँ पे। रुको, अरे यार सेल्फ रिपेयर भी तो है इसका कुछ। अरे शिट मैन, इधर थोड़ी प्रॉब्लम आने वाली है। रीजनरेट कर रही है काफी तगड़ा वाला। स्टन हो जाए यार, जब भी रीजनरेट कर रहे है तो स्टन कर लो, लॉस्ट कनेक्शन हो जाएगा, रीजनरेट बंद हो जाएगा। तैसी की तैसी भाई, क्या रीजनरेट कर रही है ना, अभी तक हेल्थ ही डाउन नहीं हुई इसकी। 49% है अभी भी। तो पावर ड्रेन क्यों नहीं हुआ इसका? अबे पावर ड्रेन क्यों नहीं हो रहा भाई? 30 सेकंड नहीं हुए क्या अभी तक? चल तेरी तो ऐसी की तैसी। हाइपरन खा गई मेरा यार। ओ भाई ओवर द डक है तो यहाँ पे रिफिल यूज करना ही पड़ेगा। ओवर द डक है, इसको प्यूरी मिलती है हैवी से। अच्छी बात यह है कि रिफिल मिल गया आगे वापस। लेट्स सी इसका क्या है, ब्रेक थ्रू है, आर्मर अप है एंड नलिफाई तो कोई नहीं कर रहा है। शार्क स्पाइडी को यूज करते हैं, चलो। ओके भाई, 3 फ्यूरी उसके पास। बढ़िया, ओके, ज्यादा हेल्थ नहीं गई इसकी। स्पेशल वन थ्रो कर देना चाहिए था। चलो डन, काफ़ी आसानी से मर गया है। कॉर्नर कर लिया था इसको मैंने, तो आसान हो गया ये फाइट। नेक्स्ट फाइट किसके साथ है देखना पड़ेगा। ये पाथ कंप्लीट हुआ, इस पाथ में काफ़ी आसान फाइट थी वैसे। कौन सा पाथ है? ओ भाई ये कौन है, क्लास भी नहीं पता हमें। और भाई ये कौन है भाई, एक मिनट देख लेते हैं क्या। अच्छी बात यह है लोकल नोड कोई नहीं है, 90,000 के हेल्थ है। इसको यूज़ करूँ यार, कैप्टन अमेरिका को यूज़ कर लूँ क्या? पास हल्क है। ओहो ये तो मुश्किल हो जाएगा, 90,000 की हेल्थ है इसकी। ये कैसे पड़ गया यार, मैंने ब्लॉक किया था भाई। तीन चार्ज पे क्या ही डैमेज मिलेगा। अरे शिट मैन, फिर पड़ गया यार, फिर पड़ गई। स्पेशल 2 से बचो क्योंकि ब्लॉक डैमेज काफी ज्यादा है। ठीक है बढ़िया है, एक बार पैरी हो जाए ये बंदा। अरे शिट यार स्पेशल 2 पड़ जाता भाई। कोई नहीं। स्पाइडर ग्वेन है, 30,000 की हेल्थ है यहाँ पे। क्लॉसस को यूज करते हैं, हैवी देते हैं इसको 2-4। ओके तगड़ा हैवी मिल गया भाई इसको। मेरा स्पेशल वन आ गया। ओके चलो डन, अब हमारी बॉस फाइट मॉडॉक के साथ में। मॉडॉक की रेटिंग काफ़ी ज़्यादा हाई है यार, इसकी एचपी भी ओके, 37,000 की रेटिंग है इसकी।
मेरे ख्याल से 1 लाख के ऊपर ही हेल्थ होगी यार इसकी। ओ भाई 1,67,000 क्या है एन है क्या है ये? कैन बी ओनली बी रिमूव्ड बाय अनब्लॉकेबल और हैवी अटैक। ये क्या है फोर्स फील्ड? द ओपोनेंट जनरेट पावर व्हेन स्ट्राइकिंग दिस चैम्पियन ब्लॉक। अच्छा इसके ब्लॉक पे अगर करूँगा तो पावर जनरेट होगा। मैक्सिमम फ्लक्स इंक्रीजेस बाय 25%। ये क्या है? क्रिटिकल आफ्टर 5 अटैक्स इंस्टेड ऑफ 7। मतलब ये 5 हिट मेरे को मारेगा तो क्रिटिकल मिलेगा मुझे। हाँ ये थर्ड स्पेशल अटैक। ठीक है भाई क्लॉसेस को यूज़ करते हैं सबसे पहले। ज़्यादा से ज़्यादा डैमेज देने की कोशिश करूँगा। ओके बढ़िया अभी तक तो अच्छा गया। इंसर्नेट इम्यून हूँ ना मैं। बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया है। ओ हो बढ़ गई यार। शिट मैन अबे 2% रह गया क्या? अबे हैवी दे दे भाई हैवी ले ले पैरी ले ले। अबे शिट पैरी देना था यार। ओके कोई नहीं स्पाइडर ग्वेन को यूज़ करते हैं। 1,17,000 बचा हुआ है। ओके साला शिट मैन। ऑटो ब्लॉक का सीन है भाई इसका। ऑटो ब्लॉक का सीन है। चलो कोई नहीं अभी भी स्पाइडर मैन है इससे मारते हैं। फिर साला ब्लॉक कर गया। शिट यार तो यहाँ पे टीम नॉकआउट हो गई। हाइपरिन तो पहले से ही नॉकआउट हो गया था। रिवाइव डालते हैं। टीम रिवाइव डालूं क्या? डाल दो यार वरना वेस्ट ही हो जाएगा। हाइपरिन को यूज करते हैं। 97 है। ओके पावर गेन हो स्पेशल 3 ठोकूं इसको मैं। ठीक है 6 फ्यूरी है मेरे पास भाई। ब्लॉक डैमेज भी काफी अच्छा फेंक रहा है ना। मेरा पावर ड्रेन कैसे हुआ? अरे यार अरे बड़ा अनोइंग है यार मॉडॉक। चलो 76 बचा है। पैरी नहीं हुआ। 5,000 का हैवी क्या करेगा इसको? ये हुआ ना 17,000 का हैवी। ओके ये देखा नहीं मैंने। बढ़िया थ्रो करो अपना स्पेशल। ओ भाई क्लॉसस बॉस है भाई। क्लॉसस नहीं छोड़ता यार अपना हैवी। क्लॉसस की हैवी की तो गेम है। एनीवे 5.4.4 हमने कंप्लीट कर दिया। आसानी से कंप्लीट कर दिया। चलो एक टीम रिवाइव पोशन लग गया लेकिन ठीक है यार। अनोइंग फाइट थी बॉस फाइट अनोइंग थी बट एनीवे कंप्लीट हुआ फिलहाल। अब 5.4.5 करेंगे लेकिन वो भी टाइम आने पर कर लेंगे। हो सकता है आपको इसके बाद गेम प्ले ना मिले क्योंकि यार मैं शिफ्ट कर रहा हूँ। मेरी जॉब शिफ्ट हो रही है। मैं बार बार बोल रहा हूँ। मैं अपनी वीडियोस में बोल चुका हूँ ऑलरेडी पहले भी। अगर आप पूरा देखते हो तो आपको पता चल गया होगा। एनीवे ये 5.4.4 हमने कंप्लीट कर दिया। 5.4.5 भी कंप्लीट करेंगे काफ़ी जल्दी। मेरे को जैसे ही टाइम मिलेगा मैं कर दूंगा बना दूंगा। तो भाई आई होप आप लोगों को ये वाला गेम प्ले वीडियो अच्छा लगा होगा। आई होप अगर अच्छा लगे तो लाइक भी कर दो। चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करो। बेल आइकन को ऑल पे दबाओ नोटिफिकेशन मिल जाएगी। और अपने शेयर करो अपने दोस्तों के साथ में। मिलूंगा जल्दी आपसे एक नई गेम प्ले वीडियो के साथ। अब तक के लिए गुड बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय खत्म। बाय बाय टाटा गुड बाय गया।